legacy of leaders at PGC Jhanjheri. भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी चैतन्य शर्मा ने सोमवार को अम्बोटा, कलो, कुठेड़ा जसवाला और गुगलेहर में नुक्कड़ सभाओं हिस्सा लेते हुए अपने प्रचार को गति दी। इस अवसर पर जहां उन्होंने भाजपा के लिए वोट मांगे, वहीं कांग्रेस पर भी खूब हमला बोला। चैतन्य शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के नेता इतनी जल्दबाजी में है कि उन्हें भद्रकाली के रहने वाले युवक भी बिहारी दिख रहे हैं, जिसकी असली वजह यह है कि उनकी नामांकन रैली में उमड़ी भीड़ की वजह से कांग्रेस नेताओं की नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कि उनकी रैली में शामिल हुए भद्रकाली के युवकों को बिहारी बताकर शर्मनाक हरकत की जा रही है, जिसके खिलाफ वह कानूनी कार्रवाई अमल में लाने जा रहे हैं। चैतन्य शर्मा ने कहा कि जो लोग चैतन्य शर्मा पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं, उन्हें जमीनी हकीकत का पता 1 जून को लगेगा, जब गगरेट की जनता भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़ कर मतदान करेगी और देश प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। चैतन्य शर्मा ने कहा कि वह कोरोना काल से लेकर वर्तमान समय तक लगातार जनसेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक गोटियां सेंकने की खातिर उन पर आरोप लगाकर उन्हें बदनाम करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी हिम्मत दिखाकर अपने 7 साल का जनसेवा का लेखा जोखा जनता के सामने प्रस्तुत करें और बताएं कि कोरोना काल में जब जनता में त्राही त्राही मची थी तो कांग्रेस नेता अंडरग्राउंड क्यों हो गए थे, क्यों उन्होंने जनता का दुरेख दर्द नहीं बांटा, क्यों उन्होंने विपक्षी राजनेता की भूमिका नहीं निभाई। क्या उनका प्यार गगरेट की जनता के प्रति मात्र उसी समय उमड़ता है जब चुनाव आते हैं? जब चुनाव में हार मिल जाए तो मात्र आराम फरमाओ और जनता को भूल जाओ। उन्होंने कहा कि नेताजी को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि विधानसभा चुनाव में हार मिलने पर वो गगरेट की जनता से दूर क्यों हो गए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार उहापोह की स्थिति में और जनता के भलाई की खातिर कुछ नहीं कर पा रही, यही वजह है कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र की सड़कें खस्ताहाल है, जबकि लोगों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जगह जगह भटकना पड़ रहा है। इससे पहले पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर ने भी अम्बोटा में आयोजित नुक्कड़ सभा में कांग्रेस पर खूब हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का 15 महीने का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। न तो महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपए, न 100 रुपए किलो दूध, न 3 रुपए किलो गोबर और न ही युवाओं को रोजगार। यानी ऐसा लगता है कि 10 गारंटियों को सरकार ने बंद डिब्बे में बंद करके रख दी है और अब लोकसभा चुनावों में एक बार फिर प्रति माह महिलाओं को 1500 देने का सरकार शोर मचा रही जा रही है। उन्होंने राज्य सरकार से प्रश्न करते हुए कहा कि एक तरफ राज्य सरकार महिलाओं को 1500 देने के फॉर्म भरवाती नजर आई और दूसरी तरफ कर्मचारियों का डीए नहीं दिया जा रहा, जिससे सुक्खू सरकार की झूठी गारंटियों की पोल खुलना शुरू हो चुकी है। मैं आज अपने सारे प्रिय गगरेट और एवं हिमाचल प्रदेश के वासियों को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में और गगरेट में अभी उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे तो जो ये लोकतांत्रिक एक महोत्सव है, पूरे के पूरे हमारे देश में मनाया जा रहा है और ये मेरे सौभाग्य की बात है कि ये जो उपचुनाव है इसमें मैं गगरेट क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का उपचुनाव में प्रत्याशी हूँ। परंतु दोस्तों, आज जिस मुद्दे को लेकर मैं आप सभी के बीच में आया हूँ, ये एक बहुत ही संगीन मुद्दा है और कहीं ना कहीं ये इस बात को रेखांकित करता है कि अपने खुद के राजनीतिक मतलब को, मकसद को पूरा करने के लिए जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं और जो नेता हैं और जो राजनीतिक दल हैं, वो किसी भी हद तक और स्तर तक गिन सकते हैं। आज मेरे बीच में मेरे साथ मेरे 2 भाई हैं और दोनों भाई मेरे साथ पुराने, काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं। आप सभी जैसे जानते हैं मैं ग्राम अवेपुर भद्रकाली का रहने वाला हूं। ये दोनों जो मेरे भाई हैं ये भी भद्रकाली के रहने वाले हैं। ये दोनों जो है अपना परिचय भी जो है आज आपको देंगे। तो भाइयों, मैं चाहूंगा एक एक करके आप अपना परिचय जो है हमारे सारे के सारे दर्शकों को जरूर दें। भाई, मेरा नाम रजिंद कुमार है, ठीक है। वार्ड नंबर 3 है मेरा, ठीक है। पिता का नाम है श्री रतन चंद, ठीक है जी। भाई के साथ जुड़े हुए हम, ठीक है। पिछले साल जुड़े हुए थे आपकी और सुनोगे और अगली बार भी, ठीक है। नमस्कार जी, मेरा नाम साजन है, वार्ड नंबर 3 भद्रकाली का। मेरे पापा का नाम रवि है। आप देखिए, ये जो दोनों हमारे भाई हैं ये मेरे साथ कुछ आज से नहीं, काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और ये किसी भी तरीके के राजनीतिक मतलब के लिए नहीं, मेरे साथ व्यक्तिगत स्तर से जुड़े हुए हैं।
और जो व्यक्तिगत कहीं ना कहीं रिश्ते होते हैं जब राजनीति भी आती है तो वो संबंध भी जो है आगे बढ़ जाते हैं। आज सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी बीते कुछ दिनों में जब मेरी नामांकन की रैली हुई तो जो मेरे कुछ प्रतिद्वंदी हैं जो अपने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मुख्य तौर से उनके सलाहकार भी हैं, आज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे क्षेत्र के जो मेरे युवा हैं जो मेरे साथी हैं उनके नाम को कलंकित करने की कोशिश कर रहे हैं, अभद्रता के आधार पे जो कहीं ना कहीं इनको डेरोगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मैं आपका ध्यान इस बात पे भी आकर्षित करना चाहूंगा कि ये अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस भी है और ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के सलाहकार हैं उनके जितने भी साथी हैं ये अपने फेसबुक के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने मेरे इन दोनों भाइयों की और भी अन्य मेरे भाइयों की जो फोटो है सार्वजनिक करी है जहां उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि ये यूपी बिहार से लाए गए कहीं ना कहीं भाड़े के लोग हैं जिनको रैली में सम्मिलित करा गया। अब ये दलगत राजनीति का स्तर है। आज अनेकों प्रकार के इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में बातें जो है अफवाहें मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंद्व के द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस पार्टी के द्वारा गगरेट क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में फैलाई जा रही है उसी का ही एक जीता जागता उदाहरण आज मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ दिखाना चाहता हूँ कि कुर्सी की इस लड़ाई में अपने खुद के राजनीतिक मतलब को सिद्ध करने के लिए ये जो पार्टी है मुख्यमंत्री है और ये जो कांग्रेस पार्टी के गगरेट क्षेत्र के प्रत्याशी हैं और उनके ये जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनके ये जो कहीं ना कहीं राजनीतिक सलाहकार हैं ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। राजनीति की धरातल की परिस्थिति का इनको कोई आकलन नहीं है, जनता के हित को इनकी उन्होंने कोई बात नहीं करनी है, अपनी तरफ से जन कल्याणकारी सोच के साथ ये जनता के बीच में क्या सोच क्या है उसके बारे में ना इनकी कोई विजन है ना कोई इनकी मिशन है, बस सिर्फ बेबुनियादी चीजों का जो है इन्होंने अपनी तरफ से बातें रखते आए हैं आगे भी रखते रहेंगे। मैं इन सभी लोगों को अपने भाइयों के साथ मिलकर वॉर्न करना चाहता हूँ। भूषण ज्वेलर्स अनमोल रिश्तों के लिए।